नमस्ते भारत WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर सुवाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH में आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं संविधान चौक पे हूँ और संविधान चौक का जो आंदोलन होता है हमारे दोनों चैनल के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुँचाते हैं। इस बार अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पूर्व नागपुर प्रभाग क्रमांक 4 की ओर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो है कलमना, विजय नगर, धर्म नगर, नवकन्या नगर सड़क, वहाँ पर पानी, गटर लाइन, टैंकर और कई समस्याओं से यहाँ के नागरिक जूझ रहे हैं, लेकिन मनकपा प्रशासन का इनके बस्ती की ओर कोई ध्यान नहीं दिखाई दे रहा है। इस बस्तियों में फैल रही है, डेंगू से नागरिक मर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका का इन बस्ती की ओर कोई ध्यान नहीं है। ये आप देख सकते हैं, एक और नागपुर शहर को मेट्रो सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और इसी नागपुर शहर के ये प्रभाग क्रमांक 4 है जो पूर्व नागपुर अंतर्गत आता है। वहाँ पे डेंगू मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन मनपा प्रशासन आज भी जगा हुआ नहीं है। मनपा प्रशासन के विरोध में यहाँ पे संविधान चौक पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से महानगर पालिका के विरोध में घोषणाबाजी की जा रही है। क्या नाम है आपका? बाबूलाल साहू। क्या बताओगे, प्रभाग क्रमांक 4 के आप रहवासी हो जी, क्या समस्या है वहाँ पर? वहाँ पर गटर लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, जगह जगह पानी का जमावड़ा है, मच्छर का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, सांप बिच्छू निकल निकल के लोगों के घर में घुस रहे हैं। अभी तक से 4 डेथ हो गई है डेंगू के माध्यम से। आज 5वीं केस हुआ है परिसर में डेंगू के कारण। अब मनपा प्रशासन वहाँ कोई सफाई नहीं, दवाई का छिड़काव नहीं, कुछ नहीं, और सब नजरअंदाज किया। और गडकरी साहब बोलते हैं कि मैं बम्बई दिल्ली हाईवे बना रहा हूँ, देश में बना रहा हूँ। आज उनके क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लोग आज तरस रहे हैं, 30-30 साल से तरस है। और खोबड़े साहब विकास पूर्व कहते हैं पूरब नागपुर का, और रोड में नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मनपा प्रशासन दबाव में है, आज भी 4थी डेग हुई है। आवाज बोलते हैं मनपा प्रशासन, ये जनरल मौत है, वहाँ लोग डेंगू से मर रहे हैं, जनरल मौत बताए जा रहे हैं, वो भी लिपापोती किया जा रहा है जो भी वहाँ घटना हो रहा है। तो और पब्लिक इतना त्रस्त है, 4 दिन का टैंकर का पानी पी के पीने के लिए जनता मजबूर है। 4 दिन में टैंकर आता है, ड्रम का पिया हुआ भरा हुआ पानी पीते हैं लोग, बासा पानी पीते हैं। और वहाँ पर गटर लाइन से बहरा बह रहा है, सीवर लाइन बहरा बह रहा है, जगह जगह पानी का जमावड़ा है। और हमारा यही निवेदन है माननीय गडकरी साहब से, आप देश भर में बड़े बड़े रोड बना रहे हो, आपके संसदीय क्षेत्र में जाकर आप रोड बनाइए। खोपड़े साहब को बोलते बड़े बड़े रोड जहाँ पर आप लोगों को सीमेंट और पैसा मिल रहा है, व्यापारियों से पैसा मिल रहा है, वहाँ सड़क बना रहे हो, एक बार गरीबों के बस्ती में सड़क बनाइए। और मनपा प्रशासन को कहते हैं आप यहाँ बैठे सिविल लाइन में बैठे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है कोई ध्यान नहीं है। हम जानते हैं कौन सी बस्ती है, लोग वहाँ टैक्स दे रहे हैं, मनपा को दे रहे हैं, वहाँ जाके साफ सफाई को देखो, पानी जा रुका है उसको पानी को निकासी देखो, वहाँ जो जन सुविधा कर सकते आप करो, ये हमारी मांग है। इसीलिए हम लोग बस्ती की समस्या लेके आ गए, पीने का पानी, गटर लाइन, डेंगू मलेरिया से लोग त्रस्त, और अनेक प्रकार की गंभीर बीमारी से लोग त्रस्त है, यही हमारी मांग है। और ये मांग हम आज एक सांकेतिक धरना दिया एक दिन का, अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम पूरे बस्ती के लोग यहाँ खाना पीना लेके अमरण उपोषण के लिए बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कौन से बस्ती में रहते हो? धर्म नगर, विजय नगर, जो कलमना मार्केट परिसर से लगा है। कलम, मैं बताना चाहूंगा कि एक और नागपुर की जो सांसद है और केंद्र के बलाढ्य मंत्री है नितिन गडकरी का ये नागपुर शहर है, वहाँ के वो सांसद है, वो सड़क परिवहन मंत्री है, पूरे देश में सड़क का जाल यानी फैला रहे हैं, लेकिन उनके ही जो जहाँ के वो नागपुर शहर के सांसद है वहाँ पे ही उनके परिसर में सड़क नहीं है, पानी की समस्या है और कई समस्या से नागरिक जूझ रहे हैं।
जो प्रभाग क्रमांक 4 पूर्व नागपुर में आता है वो कृष्णा खोपड़े जी का वहां के विधायक है, लेकिन वहां पर पूर्व नागपुर के प्रभाग क्रमांक 4 जो स्लम बस्ती है वहां पे ना ही सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, कोई पूरी समस्या से वहां के नागरिक जूझ रहे हैं। पानी जमा होने के कारण वहां पर डेंगू मलेरिया जैसी रोग राई हो रही है। बताया जा रहा है कि आज 5वीं मौत वहां पे डेंगू से हुई है पूर्व नागपुर में। और भी लोग हमारे साथ में हैं वहां के, क्या बताना चाहूंगे, आपका नाम बताइए। मैं सोनू सुकुल साहू, प्रभाग अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से। आज 30 साल हो गए हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नाम का चीज नहीं है। आमदार श्री कृष्णा खोपड़े जी क्या कहलाते, विकास पुरुष कहलाते, सिर्फ कोरो कागज में। ये कागज आप देख लीजिए, ये प्रभाग क्रमांक 4 की समस्या की है। डेंगू से कई लोग मर रहे, आज 4 लोग, आज भी एक मौत हुई है, 4 लोग मर चुके हैं डेंगू से। प्रशासन को लिखित रूप से सूचना देने के बाद आए, थोड़ी सी दवाई डाले, 2 गली में चले गए। उनका कहना कि मैं कर रहा हूँ ना काम। मैं बोला आज मैंने डेपुटेशन दिया तो आपकी नींद खुली। आज इस क्षेत्र के गरीब मजदूर लोग 30 साल से समस्या से जूझ रहे, हमारी माताएं बहनें ऐसे साड़ी उठा के चलते, आज आप लोगों को आग में दिख नहीं रही है, क्यों नहीं आते हमारे क्षेत्र में, सिर्फ वोट के तरफ वोट के समय आते हो, वोट मांग के चले जाते हो, ये कौन सी राजनीति कर रहे, अब आपको राजनीतिक नहीं कर ले देंगे। महानगर पालिका को समझा दिया गया है कि अगर यदि एक्शन नहीं लिए तो आने वाले समय पे बहुत बुरा परिणाम होगा। ये आपको मैं सूचना दे दे रहा हूँ, होश में आ जाए जनप्रतिनिधि, जितने लोग हैं बीजेपी के, नगर सेवक को भी समझा दिया जा रहा हूँ कि आप लेडीज लोग से बात करने का तमीज सीखिए। आज लेडीज लोग से ऐसे लैंग्वेज से बात करते हैं वो नगर सेवक कि उनका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती हमारी। गडकरी साहब ने एक सभा लिए थे भरतवाड़ा चौक में, उन्हें क्या कहा कि 18 महीने का मुझे मोहलत दो, मैं क्या से क्या बना दूंगा। आज क्या से क्या बनाए सर, आप स्वयं जाके देख सकते बस्ती में, साइकिल चलाना मुश्किल है, हमारी माँ बहने कीचड़ में कैसा साड़ी उठा के चलती है। आप बताइए सिटी में कोई ऐसा अगर साड़ी उठा के चलते आपकी माँ बहन, तो मैं आपको जिंदगी भर गुलामी खटने के लिए तैयार हूँ। देखिए किस प्रकार से रोष दिखाई दे रहा है प्रभाग क्रमांक 4 के नागरिकों में। वहां पे जो पानी जमा है, सड़क पे पानी जमा है, लेकिन वहां के लोक प्रतिनिधि, पूर्व नागपुर के विधायक और नागपुर शहर के सांसद और बलाढ्य मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नींद में है, उनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ मतों का राजकारण करते हैं, सिर्फ मत मांगने आते हैं। ऐसा ही वहां के प्रभाग क्रमांक का 4 के नागरिक बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? माझे नाव संगीता रामदास भोंडे, मी विजयनगरला राहते। आमच्याकडे गटर रोडावर पाणी भरून आहे, गड्डे आहे, पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, मुलं शाळेत जाते त्यांना व्यवस्था नाही आहे, रोड नाही आहे, पडून येते सायकलवरून, त्यांना ट्युशन क्लासेस वगैरे जायला त्रास होतो, यायला जायला खूप त्रास आहे। 30 वर्षापासून वस्ती बनली आहे सर, पण आजपर्यंत तिथं रोड वगैरे काही दुरुस्त केला नाही ना व्यवस्थित। विजयनगर कळमना मार्केट। किती लोकसंख्या असेल? 15,000 वस्ती आहे ती, 15,000 लोक आहे, 30 वर्षापासून बसलेली आहे, पण अजूनपर्यंत रोडांची तिथं काही व्यवस्था झाली नाही आहे अजूनपर्यंत। जे भी येतात ते म्हणतात करून देतो, रोडाची व्यवस्था कोणीही आजपर्यंत करून दिलेला नाही आहे, तेच विजयनगरला सांगतात करतो बा म्हणून वोट घेतात आणि निघून जातात। मैं बताना चाहूंगा कि प्रभाग क्रमांक 4 में विजयनगर करके बस्ती है, इलाका है, स्लम बस्ती है, वहां पे करीब 30 साल से वहां पे ये लोग रहते हैं, लेकिन वहां पे मत मांगने तो लोक प्रतिनिधि जाते हैं। हमारे जो लोकप्रिय खासदार जो है नितिन गडकरी जी और देश के लोकप्रिय मंत्री है, वो भी वहां मत मांगने जाते हैं और आश्वासन देके जाते हैं कि हम तुम्हारी समस्या 5 साल में हल करेंगे, लेकिन आज कितने साल हुए लेकिन समस्या उनकी हल नहीं हुई। पानी की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है, रोड की समस्या है, ये सब समस्याओं से ये विजयनगर वासी जूझ रहे हैं, लेकिन लोक प्रतिनिधि एक कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। और भी कुछ हमारे साथ में विजयनगर के नागरिक है, हम उनसे भी जानेंगे क्या समस्या है आपकी। आपका नाम बताइए। घनश्याम साहू। क्या बताना चाहोगे? मैं ये जो प्रभाग की जो समस्या है हमारे, कहाँ रहते ये बताइए, धर्मनगर संत कबीर स्कूल के पीछे, ये जो हमारा एरिया है मौजा भरतवाड़ा अंतर्गत आता है, 1972 लेआउट अंतर्गत है,
अभी कुछ दिन पहले हमारे पूर्व नागपुर के लाडले आमदार कृष्णा भाऊ खोपड़े, इन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया। कुछ दो लाइन सड़क बनाने के बाद काम रोक दिया गया। हम जब नगर सेवक जी से पूछे कि भैया आपने काम क्यों रोक दिए, तो कहने लगे पहले रोड का लेवल करूंगा, उसके बाद में पाइपलाइन डालूंगा, ऐसा करके हम जनता को बोला गया। कितने साल से रहते हो आप? मैं करीब 10 वर्ष से वहां पर हूं। और जो मनपा को नागपुर सुधार प्रन्यास को हम जो एनआईटी शुल्क, एनआईटी डिमांड, कारपोरेशन टैक्स जो भर रहे प्रति वर्ष, फिर भी जिस पर लिखकर आता है कि शिक्षण कर, मलजल कर, जो मजबूत सुविधाएं हमारे को नहीं मिली अभी तक, जनता इतनी आक्रोशित है। मैं शासन से विनती करता हूँ, एक बार धर्मनगर विजयनगर में दौरा कीजिए, जहाँ पर पानी भरे हुए लोग हैं, बच्चे साइकिल नहीं चला सकते, बीमारियों को आक्रोशित बना है, डेंगू से मौत हो रही है। इसके लिए मैं आमदार माननीय कृष्णा जी खोपड़े, केंद्रीय मंत्री रोड सड़क मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, इनसे विनती करूंगा, जो स्मार्ट सिटी का भूमि पूजन हुआ था आज 8-9 साल पहले, स्मार्ट सिटी के नाम पर आज जो लालीपॉप दिया गया हमको, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, क्या आपने मनपा जोन अधिकारी जो है, मनपा आयुक्त है, उनको कभी निवेदन दिए इस समस्या को? फाइल भरी है सर, मेरे पास पूरी फाइल है, डेंगू मच्छर से लेके वहाँ गडर लाइन से लेके साफ सफाई से लेके पूरी डॉक्यूमेंट मेरे पास है, ऐसा ऐसा 5 फाइल है, बस उन्हें भूमिका निभाए तो बस ऐसा लौट जाओ वाला भूमिका निभाए, खड़ीकरण करके लालच देके भूमि पूजन करके निकल जाते फोटो खींच। क्या मांग है आपकी, मांग क्या है? हमारी मांग यही है, प्रभाकर मांग 4 में विजयनगर, धर्मनगर, नौकरानी नगर की अच्छी सड़क बनाए, गडर लाइन बनाए। गडर लाइन तो नहीं बनाएंगे वो, हमको पूरी 100% डाउट है। और हमारी मांगे यही है कि अच्छी सड़क हुई है चाहिए हमें, और बेस्ट वाटर लाइन चाहिए, और गंदगी से मुक्ति। अधिकुटा है, अधिकुट लाइट है, किरीदा सोसाइटी एनआईटी में आती है, एनआईटी के भी वहाँ पे एनआईटी की भी सोसाइटी है। एनआईटी के दो साहब आए हमारे पास, हमें कहे कि सोनू भैया हमारे पास फंड नहीं है। मैं बोला मैं मुँह जवानी बात नहीं करता, मैं लिखित रूप से बात करूंगा आपको। मैंने जवाब मांगा था कि प्रभाग क्रमांक 4 में 30 साल से विकास क्यों नहीं होता, तो आप मेरे को लिख के ही दीजिए, मैं अभी बात नहीं करूंगा। लिखित रूप देने के बाद मैं हाईकोर्ट में केस करूंगा कि इन लोग जनता गरीब बेचारे लोग को बेवकूफ बना बना के यहाँ के फंड पूरा गबन किए। मैं बताना चाहूंगा कि कितना रोष है प्रभाग क्रमांक का 4 जो पूर्व नागपुर अंतर्गत आता है, वहाँ के इलाकों में कई समस्याओं से वो इलाका घेरा हुआ है, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां वहाँ हो रही है, आज 5वीं मौत डेंगू से वहाँ पे हुई है, लेकिन प्रशासन आज भी जगा हुआ नहीं है, मनपा प्रशासन आज भी वहाँ पे जगा हुआ नहीं है। वहाँ के नागरिकों का एक ही कहना है कि हम जब विकास शुल्क अगर भरते हैं तो वहाँ पे विकास क्यों नहीं किया जाता। पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े जी ने कहा था कि हम वहाँ का विकास करेंगे प्रभाग क्रमांक का 4 का, लेकिन विकास नहीं हुआ। गडकरी जी ने कहा था कि प्रभाग 4 में हम वहाँ की समस्या जल्द से जल्द हल करेंगे, सड़क बनाएंगे, पानी देंगे, गटर लाइन बनाएंगे, लेकिन वहाँ का समस्या आज तक के हल नहीं हो पाई। 2024 का चुनाव आ रहा है, लेकिन आज भी खासदार आमदार इन्हें आज भी उन्होंने वहाँ की समस्या प्रभाग क्रमांक 4 की समस्या का हल नहीं किया है। इनकी एक ही मांग है कि प्रभाग क्रमांक 4 की जो समस्या है, विधायक जो पूर्व नागपुर के विधायक है कृष्णा खोपड़े और नागपुर शहर के जो खासदार है और बलाढ्य केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, वो प्रभाग क्रमांक 4 के में जाए और वहाँ की समस्या जल्द से जल्द हल करे, यही मांग को लेकर यहाँ पे आज संविधान चौक पे धरना प्रदर्शन प्रभाग क्रमांक 4 की ओर से किया जा रहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।